गोरखपुर न्यूज के एक समाचार जो बच्चा चोरी के वायरल हुए अफवाह के संबंध में था, जिसे 24 अगस्त को ऑन एयर किया गया था, जिसके संबंध में एसपी सिटी डॉक्टर कौस्तुभ ने बाइट देते हुए बताया था कि बच्चा चोरी के संबंध में गोरखपुर पुलिस की तरफ से जारी अलर्ट कोरी अफवाह है और आगाह किया था कि गोरखपुर जिले में कोई घटना बच्चा चोरी की नहीं हुई है और ऐसी कोई भी सूचना तत्काल पुलिस को दें। यह समाचार कुल 2 मिनट 36 सेकंड के आसपास का है जो गोरखपुर न्यूज के आधिकारिक यूट्यूब चैनल और फेसबुक पर उपलब्ध है। इस अपलोड वीडियो को कट पेस्ट करके केवल उसी पोर्शन को वायरल किया गया है जिस पोर्शन में अफवाह क्या है उसका जिक्र एंकर कर रहा था, जबकि नीचे की तरफ चल रहे मुख्य अंश में साफ प्रदर्शित है कि एसपी सिटी डॉक्टर कौस्तुभ ने बताया है कि बच्चा चोरी की घटना पूरी तरह अफवाह है। किसी शरारती तत्व ने गलत मंशा से यह वायरल किया है। जो पोर्शन काटा गया है वह आपके सामने है। सोशल मीडिया पर इन दिनों हो रहे एक मैसेज को पूर्ण रूप से फर्जी बताते हुए एसपी सिटी डॉक्टर कौस्तुभ ने कहा कि गोरखपुर पुलिस की तरफ से कोई भी मैसेज नहीं जारी हुआ है। मैसेज चल रहा है कि इस तरह के कुछ ग्रुप आए हैं, कुछ लोग आए हैं जो इस तरह के लोग पकड़ के ये सोशल मीडिया पे कई जगह ये चीज़ वायरल हो रही है कि गोरखपुर पुलिस द्वारा एक मैसेज दिया जा रहा है कि कई लोग आए हैं जो बच्चों को अगवा कर रहे हैं किडनी निकालने हैं, तो ये अफवाह है। इसका खंडन पहले भी किया जा चुका है, बार बार किया जा रहा है। इस तरह के कोई भी ग्रुप नहीं आए हैं। अगर किसी को भी इस प्रकार की सूचना प्राप्त होती है तो वो तुरंत पुलिस को इत्तला करें, पुलिस सतर्क है इस चीज़ को लेकर। और इस तरह का कोई भी घटना गोरखपुर शहर क्षेत्र में नहीं हुई है अभी पिछले एक महीने में, और भविष्य में भी इसको लेके हम सतर्क हैं। सर मान लीजिए अगर बाई चांस कोई इस तरह का दिखाई दे जाए तो कहाँ सूचित करेंगे? अगर कोई भी आपको संदिग्ध व्यक्ति या वस्तु दिखाई देती है तो पुलिस को तुरंत सूचित करें, अपने लोकल थाने को सूचित करें या 100 नंबर पर सूचना दें और अपने माध्यम से कोई भी कार्रवाई ना करें। गोरखपुर न्यूज भी अपनी बेदाग छवि को धूमिल करने वालों पर सख्त कार्रवाई करने की बात गोरखपुर पुलिस से किया है। जानकारी मिली है कि पुलिस की साइबर सेल भी इस मामले की तह में जाकर कार्रवाई कर रही है। गोरखपुर न्यूज चैनल भी गुमराह और अफवाह फैलाने वालों को बख्शने वाला नहीं है। वहीं दूसरी तरफ गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी सिटी डॉक्टर कौस्तुभ ने बताया कि वीडियो को बीच से काट कर 1 मिनट 26 सेकंड किया गया है और इस तरह से वायरल किया गया है कि लगे कि वही पूरी बात कह रहे हैं, जबकि वास्तव में ऐसा नहीं था। इस संबंध में एक प्रेस वार्ता करके एसपी सिटी डॉक्टर कौस्तुभ ने पूरे मामले पर स्थिति को स्पष्ट करते हुए कहा, नहीं, एक मिनट 26 सेकंड का एक वीडियो वायरल किया जा रहा है जो एक लोकल न्यूज़ चैनल द्वारा एक मीडिया एक वीडियो बाइट बनाई गई थी, उसको मिसयूज़ किया जा रहा है। उसके आगे और पीछे के कंटेंट को हटा के सिर्फ र्यूमर वाले पार्ट को कई लोग सर्कुलेट कर रहे हैं एक र्यूमर की तरह जो कि बच्चा चोरी संबंधी है। इस बात का खंडन शुरू से पुलिस और मीडिया लगातार करती आई है। उसी बात को रीइन्फोर्स करने के लिए अभी दोबारा से ये बाइट दी जा रही है कि इस प्रकार का कोई भी प्रकरण गोरखपुर में नहीं हुआ है और भविष्य में भी इस प्रकार का कोई भी प्रकरण अगर किसी के संज्ञान में आता है तो तुरंत पुलिस को सूचित करें और गोरखपुर में कहीं पे भी बच्चा चोरी की कोई भी घटना विगत कुछ दिनों में विगत महीनों में नहीं हुई है और इसको गोरखपुर पुलिस पूरी तरह से खंडन करती है। जो वीडियो था वो 2.5 मिनट का असली वीडियो था और जिसके द्वारा भी ये किया गया है, जिन्होंने सिर्फ उसका 1 मिनट 26 सेकंड उठाया है, वो इंटेंशन रूमर फैलाने का था। तो अभी इसमें साइबर सेल द्वारा जांच की जा रही है कि आखिर इस वीडियो के इस कंटेंट को किसने इस तरह से मिसयूज़ करने का प्रयास किया है और जैसे ही उसमें कोई प्रकरण सामने आता है तो गिरफ्तारी भी की जाएगी। नहीं, जो कोई भी र्यूमर फैलाने वाली वीडियो को चलाएंगे उनके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया जाएगा और इसमें मैं मीडिया से ये अनुरोध भी करना चाहूँगा कि अधिक से अधिक इस बात की जागरूकता जनता तक पहुँचे।